साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल। साथियों आपके इस YouTube चैनल पर हमने एक सीरीज शुरू की है जो एक्सेल से रिलेटेड है। एक्सेल के बारे में संपूर्ण जानकारी इस सीरीज के अंदर दी जाएगी। इसके अंतर्गत बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, पार्ट टू। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। और हम आपसे वादा करते हैं कि इस समर वेकेशन के अंतर्गत एक्सेल से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी समस्या होगी, उन सारी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे और आपको इससे रिलेटेड नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज इस दूसरे पार्ट को करते हैं शुरू। जैसे ही आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो इस प्रकार का एक पेज ओपन होता है, और इस पेज के अंदर सबसे पहले जो बटन होता है उसका नाम होता है ऑफिस बटन। इस ऑफिस बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, जिसके अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश्ड एंड क्लोज। ये सारे ऑप्शन इस ऑफिस बटन के अंदर आपको मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका क्या क्या वर्क है। इसके अंतर्गत जो पहला ऑप्शन है वो है न्यू, यानी आप एक नई सीट ओपन कर सकते हैं इसके माध्यम से। अगर आप कोई वर्क करते करते सोचा कि कोई और सीट पे वर्क करें तो यहाँ से एक न्यू सीट भी ओपन कर सकते हैं। हो सकता है ऑफिस के अंदर आप वर्क कर रहे हो तथा आपके पास कोई और काम आ गया जिसके अंदर छोटा सा वर्क और कुछ करना है, तो आप एक न्यू सीट ओपन कर सकते हैं केवल मात्र एक क्लिक के माध्यम से। अब दूसरा ऑप्शन है ओपन। ओपन का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत आपने पहले कोई भी एक्सेल के अंदर फाइल सेव की है तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। यह है ओपन का ऑप्शन। ओपन का मतलब आपके द्वारा पहले से इस कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल सेव कर रखी है उसको ओपन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सेव। इसका मतलब होता है कि आपने इस एक्सेल फाइल के अंदर जो भी वर्क किया है वो आप इस बटन के माध्यम से सेव कर सकते हैं। आपको और भी सेव करने के खूब सारे ऑप्शन बताएंगे, ये तो इसके अंतर्गत दे रखा है। अब आया है सेव एज। ये सेव एज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई फाइल सेव की है और उसके जैसी कोई दूसरी और फाइल बनानी है, रिप्लेस नहीं करना है, उसके जैसी कोई और फाइल तैयार करना है, और उसको तैयार करने के लिए ये बहुत सारे ऑप्शन भी आएंगे कि इसकी जो कॉपी तैयार करनी है एक्सेल में करनी है, मैक्रो में करनी है, या बाइनरी वर्क में करनी है, या और कोई छोटे वर्जन के अंदर इसको तैयार करनी है, तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये सेव एज का मतलब कॉपी तैयार करना होता है। सेव का मतलब तो जो इसके अंदर डेटा है उस डेटा को सेव करता है, लेकिन सेव एज के माध्यम से आप इसकी एक और कॉपी भी तैयार कर सकते हैं। इसकी कुछ शॉर्ट्स की होती हैं, वो भी आपको हम अगले आने वाले वीडियो के अंदर बताएंगे। अब बात करते हैं अगला ऑप्शन जो है प्रिंट का। एक्सेल के अंदर जो भी आपने वर्क किया है, कार्य किया है, अब उस कार्य को आप हार्ड कॉपी के अंदर भी तो तैयार करना है, हार्ड कॉपी के अंदर उसको प्रिंट भी तो करना है, तो वो प्रिंट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। अब इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, प्रिंट कर रहे हो या कोई फटाफट क्विक प्रिंट करना चाहते हो, या इसका प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। अब बात करते हैं प्रिपेयर। प्रिपेयर के अंदर आप देखोगे इसको तैयार करते समय आपने इसकी क्या प्रॉपर्टी रखी है, इसके अंदर क्या इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट क्या है। ये जो अगला ऑप्शन है मेक इज फाइनल, इसका मतलब होता है कि इसको आप किस प्रकार की सीट बनाना चाहते हैं, रीड ओनली बनाना चाहते हैं या और किसी प्रकार के, तो ये आप जैसे इस पे मार्क डाल लेते हो तो ये फाइनल चीज हो जाती है। लास्ट जो ऑप्शन है वो है रन कॉम्पेटिबिलिटी।
चेकर, यानी जो पिछला वर्जन है उस वर्जन के अंदर या आगे आने वाला वर्जन है उसके अंदर ये सीट प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी या नहीं करेगी, उसको चेक करने के लिए। कई बार हमारे पास एरर्स तो होते हैं कि ये सीट प्रॉपर तरीके से इस वर्जन के अंदर वर्क नहीं करती हैं। अब ये वर्जन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सीट बनी हुई है 2007 के अंदर और अगर आप 2010 के अंदर इसको ओपन करते हो तो बिल्कुल वो ओपन होगी, लेकिन कोई सीट 2010 की बनी हुई है और उसको 2007 या 2003 के वर्जन में ओपन करना चाहते हो तो वो ओपन नहीं होगी। उस समय ये बता देगा आपको कि इसकी कॉम्पेटिबिलिटी है या नहीं है। कई बार आप कहते हो कि ये सीट ओपन ही नहीं हो रही है। ओपन नहीं होने का वजह यह है कि आजकल नए नए वर्जन आ गए, जैसे मान लीजिए 2019 का वर्जन है एक्सेल का, उसके अंदर आपने वर्क कर लिया। अगर उसी सीट को आप 2007 या 2010 के वर्जन में ओपन करना चाहते हो तो वो सीट ओपन ही नहीं होगी, जिसका सीधा सा मतलब है अगर छोटे वर्जन में सीट तैयार की गई है तो वो बड़े वर्जन के अंदर आराम से खुल जाएगी, लेकिन जो बड़े वर्जन के अंदर सीट को तैयार कर दिया है तो अब उस सीट को छोटे वर्जन के अंदर खोलना मुमकिन नहीं है। अब हम देखते हैं इसका अगला ऑप्शन, वो है सेंड। अब इस सीट को आपने तैयार तो कर लिया, लेकिन अगर आप कहीं इसको मेल करना चाहते हैं या इंटरनेट पर फिक्स करना चाहते हैं तो इसके ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल रहेंगे। पब्लिश यानी एक्सेल की जो सर्विस है उससे रिलेटेड है। क्लोज का मतलब इस सीट को आप अगर बंद करना चाहते हैं तो ये क्लोज का ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करोगे ये सीट बंद हो जाएगी। ये आपसे एक परमिशन लेती है कि इस सीट को आप सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल हम कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, आगे आपको बताना चाहते हैं। इसके नीचे दो बड़े ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा एक्सेल ऑप्शंस और दूसरा मिलेगा एग्जिट एक्सेल। एग्जिट एक्सेल का मतलब तो आप अच्छी तरीके से समझते होंगे, इसको बंद करना होता है। मेन ऑप्शन है एक्सेल ऑप्शंस, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन होगा पॉपुलर। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप सीट के अंदर कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो इसके अंदर से आप ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे सो मिनी टूल बार एज सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शन के अंदर कोई टूल रखना चाहते हैं, मिनी टूल रखना चाहते हैं तो ये चेक रहना चाहिए। अनेबल लाइव प्रीव, अगर आप पिछला कोई ऑप्शन चेक करना चाहते हैं, आपके पास पिछले कोई डेटा या सीट या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको नजर आना चाहिए कि आपने क्या एंट्रीज की है, तो ये इनेबल रहना चाहिए, इस पर चेक निशान लगा रहना चाहिए। फिर है डेवलपर टैब। अब ऊपर जो आपका रिबन है ये कहलाएगा रिबन, इस रिबन के ऊपर ये जो टैब आएगा डेवलपर, यहाँ पर राइट का निशान होने पर ही ये आपको नजर आएगा। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से अनचेक कर दिया और बाद में नीचे ओके का ऑप्शन है, जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ से मेरा डेवलपर टैब गायब हो चुका है। मैं नए कोई बटन टैब यहाँ लगाना चाहूँ तो नहीं लगा पाऊंगा, ये डेवलपर टैब मुझे वापस लाना है। तो वही ऑप्शन, आप एक्सेल ऑप्शन के अंदर जाइए और इसको वापस चेक करिए। इसको चेक करके जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपके डेवलपर टैब वापस आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, इसके और सारे ऑप्शन हैं, देख लेते हैं। इसका कलर कैसा रखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको तीन तरह के कलर नजर आ रहे हैं, ब्लू, सिल्वर और ब्लैक। अगर आप चाहते हो कि मैं तो इसको ब्लू कलर देना चाहूँ, जैसे ही ब्लू पर क्लिक करेंगे इसको ओके करेंगे तो इसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। अगर आप इसका और कोई कलर देखना चाहते हैं कि मेरे को ये कलर ढंग का नहीं लगा, मैं चाहता हूँ इसको ब्लैक कलर में करें, तो ब्लैक करके इसको ओके किया तो ये आपको ब्लैक कलर के अंदर सीट नजर आएगी। ये जो रिबन है, यहाँ पर जो टूल बार है, ये सारे जो कलर हैं आपको ब्लैक कलर के अंदर नजर आएंगे। आप चाहते हो कि ये कलर भी मेरे को पसंद नहीं आया, मैं तो इसको सिल्वर रखना चाहता हूँ, सिल्वर पर ओके करेंगे तो इसका ये कलर क्या हो गया, सिल्वर कलर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर और क्या ऑप्शन है, नीचे दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है स्क्रीन टिप्स स्टाइल। इसके अंदर भी दो तीन ऑप्शन आ रखे हैं, आप जो भी ऑप्शन लेना चाहोगे उस पर क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पर आ रहा है सो फीचर डिस्क्रिप्शन इन
स्क्रीन टिप्स, जैसे ही आप किसी पर क्लिक करते हैं तो उसके बारे में सूचना मिलती है, अगर ये ऑन नहीं रहता तो वो सूचना नहीं मिलती है। यहाँ पर डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, अगर ये कर रखा है तो आप किसी आइकन पर क्लिक करेंगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यानी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो आप अगर किसी आइकन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये टैब क्या है, एक्चुअली क्या करना चाहते हैं आप, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। अगर ये नहीं चाहते कि मुझे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ और मुझे किसी प्रकार की जानकारी ना हो दिखे, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, इसके अंदर आप डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करोगे ओके करेंगे और अब आप जाके किसी पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको शो नहीं करेगा, नज़र नहीं आएगा कि आपको किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन अब ये नहीं दे रहा है। इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो इस पे जाके वापस इसको शो फीचर पे क्लिक करके ओके करेंगे, तब आप देखेंगे अब ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपको इसके अंदर क्या करना है, पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। अब हम देखते हैं आगे, क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन सॉर्ट्स एंड फिल सीक्वेंस। अब ये क्या है, ये कब काम आता है, क्या करने के लिए, जैसे कोई लिस्ट बनानी है आपको और जैसे इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट वो लिस्ट बन जाएगी। मान लीजिए आप यहाँ कोई कस्टम में तैयार करना चाहते हो, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे है, इस पर क्लिक किया ओके किया, पूरा संडे मंडे ट्यूसडे ये ओके, ये आपकी लिस्ट आ जाएगी। इस प्रकार आप एक कस्टम शीट तैयार कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूज फॉन्ट, आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर कौन सा फॉन्ट बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर ओके कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज कितनी होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, आप जैसे खोलेंगे ओपन करेंगे सीट को तो जो यहाँ पर आप लेंगे वो बाय डिफॉल्ट वहाँ आएगा, बाद के अंदर आप चेंज तो करने का ऑप्शन मिल ही जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, बार बार आपको ये नॉर्मल साइज लेने के लिए क्लिक करना नहीं पड़े, तो बाय डिफॉल्ट साइज आप कर सकते हैं। और इसका व्यू कैसा होना चाहिए, नॉर्मल या पेज ब्रेक या पेज लेआउट, आपको इसको किस प्रकार से देखना है, तो आप इस पे क्लिक करके बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। अब पेज कैसा हो ये तो हम आगे ऑप्शन आएगा रिबन पर व्यू के अंदर आएगा, वहां पर आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे क्योंकि एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा पेज सेटअप पर, उसके अंदर ये यूज होता है। अब आगे चलते हैं कि इंक्लूड दिस मेनी सीट्स, यहाँ पर आपको कितनी सीट ओपन करनी है, जैसे आप ये वर्क फाइल ओपन करेंगे वर्कबुक ओपन करेंगे तो 3 सीट बाय डिफॉल्ट कर रखी है। आप चाहते हो मेरे को सिर्फ 1 सीट ही चाहिए, जब भी मैं ओपन करूं मेरे को 1 सीट नजर आनी चाहिए, अब आप इसको अगर ओपन करेंगे तो 1 सीट ही नजर आएगी। जैसे मैं इसको अभी फिलहाल बंद कर देता हूं और नहीं एक्सेल सीट ओपन कर देता हूं तो यहां पर 1 सीट ही ओपन हुई है, क्योंकि मैंने एक्सेल की सेटिंग थी उसके अंदर 1 सीट ही कर रखी है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कम से कम 2 सीट या 3 सीट आए, तो अब मैं जब भी इसको ओपन करूंगा वापस इसको बंद करके क्लोज करके ओपन करूंगा तब 3 सीट ही ओपन होगी। इसका यूजर का नेम क्या होना चाहिए, अभी विंडो यूजर कर रखा है ऐसे बाय डिफॉल्ट, आप कोई भी नेम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और ओके करेंगे तो इसका जो यूजर नेम है वो चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज सेटिंग में जाओगे तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आएगी, आप कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हो लैंग्वेज सेट हो जाएगी। अभी फिलहाल हमने 2 लैंग्वेजेस रखी है, एक तो इंग्लिश और दूसरी हिंदी, ये दोनों हमने सेट कर रखी है बाय डिफॉल्ट है। और उसके अलावा इसकी जो प्राइमरी एडिटिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाली है, वो हमने कर रखी है और ये सही है, इसको आप ओके कर दीजिए और ये लैंग्वेज सेट हो जाएगी। ये पूरा किसके अंदर आएगा, पॉपुलर के अंदर। अब वीडियो बड़ा होने वाला है, अगले वीडियो के अंदर आपको फॉर्मूला प्रूफिंग सेव एडवांस कस्टमाइज एडिंस ट्रस्ट सेंटर और रिसोर्स, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल की सेटिंग के अंदर इसका क्या महत्व है और कब आपके सामने एक्सेल के अंदर कोई एरर आ जाता है तो किस प्रकार से उसकी सेटिंग की जाती है ताकि आपके एक्सेल के अंदर किसी प्रकार का एरर शो नहीं हो। तो आगे आने वाला वीडियो जरूर देखें, तब तक हम आपसे लेते हैं आज्ञा, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।